गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लग्जरी बैग्स की और कुछ नॉन लग्जरी बैग्स की जो कि एक्चुअली लग्जरी जैसे दिखते हैं। सो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज आपको जरूर पसंद आएंगे बैग्स। एंड इफ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आपको मिल जाए न्यू वीडियोज के अपडेट्स हमेशा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई हैव मतलब एक लुक दे देती हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो हियर आई हैव दिस सिक्स बैग्स, या दिस सिक्स बैग्स जो कि एक्चुअली वर्थ बाइंग है एंड दे आर सुपर गुड। ये पिंक वाला तो सबसे अच्छा है, मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट जो मुझे लगा वो वाला। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैग, दिस इज फ्रॉम लीना फिरोज एंड आई लव दिस बैग यार। ये कितना सुंदर बैग है, लुक एट द कलर मैन एंड द डिज़ाइन, दिस इज सो गुड। मतलब बहुत ही हाई फाई ब्रांड लाइक लीना फिरोज का बहुत अच्छा ब्रांड है एंड दे सेल रियली गुड बैग्स इन रीजनेबल रेट। इस टाइप के बैग्स किसी हाई फाई ब्रांड से, हाई फाई मीन्स यू नो टॉप नॉच वाले जो ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे जाओगे ना आप अगर, तो इस तरह के बैग आपको 30, 40, 50 या 1 लाख के भी आएंगे यार। बट दिस इज सो गुड एंड दे हैव लॉट्स ऑफ कलर वेराइटी एज वेल। मुझे फूशिया पिंक काफ़ी पसंद आ रहा है बिकॉज ये कलर काफ़ी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लगता है, प्लस ना हर एक आउटफिट के साथ ना ये उठ के भी दिखता है। सो आई लाइक दिस कलर। इसमें स्लिंग बैग बनाने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये काफ़ी लंबा पट्टा दिया हुआ है स्लिंग बैग का। बट ज़रूरी नहीं कि आप इसे स्लिंग बैग यूज़ करो यार, ये ऐसे यूज़ करना मतलब इस तरह से हाथ में लेके ये कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसको स्लिंग बैग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने स्लिंग बैग बना दिया ना तो इसका पूरा जो लुक है ना वो चला जाएगा। मतलब इफ़ यू आर गोइंग इन सम यू नो गुड काइंड ऑफ पार्टी और इवेंट, ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा लुक देगा एंड देख के एक रिचनेस आ रही है इस बैग को। अगर आप थोड़ा कॉस्ट डाल के इस टाइप का बैग खरीदते रहो तो मेरे हिसाब से तो वर्थ होता है यार। मतलब इस टाइप के बैग एक तो हम रोज यूज़ नहीं करते हैं, इस टाइप के बैग यू नो कहीं आने जाने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब फैशनेबल एक लुक देने के लिए। तो उस हिसाब से ना ये मुझे बहुत सही लगा। बाय द वे इसे मैंने कुछ अराउंड 1500 रुपीज़ परचेस किया है, बट इसका ओरिजिनल प्राइस इज समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़, ये नहीं 4595 रुपीज़, मतलब अराउंड 5000 ही पकड़ लो, 400 रुपये कम है। बट ये बहुत अच्छा है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है सामान रखने के लिए, साथ में आपको एक ओपन कंपार्टमेंट भी मिलता है अंदर, छोटा वाला जो होता है ना साइड वाला वो भी मिलता है। बाहर कोई कुछ काम कर रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पे आपको एक इसके वजह से दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे आपको एक चेन वाला भी छोटा सा पॉकेट मिल जाएगा। सो आप कुछ यू नो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे रख सकते हो। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाएगा आपका एंड मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया यार, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की जो कि अगेन फ्रॉम लीना फिरोज एंड दिस इज़ अ वेलवेट बैग। वाह मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया यार, कितना सुंदर बैग है ये एंड फुल रॉयल जो फील होता है ना वही फील आ रहा है इस बैग को देखे यार। ये कितना सुंदर कलर है, प्लस मतलब बोलते ना एक पूरा मैच कर रहा है, बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है, बहुत ही मैच काइंड ऑफ का कलर। और एक तो ब्लू कलर प्लस वेलवेट जो टेक्सचर इसका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे भी आपको पूरा वेलवेट मिल जाएगा एंड आगे भी पूरा वेलवेट मिल जाएगा। सो ये भी लीना फिरोज का है एंड मतलब जैसे जैसे बैग्स खरीदते हो ना लीना फिरोज में, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग्स है लीना फिरोज के। सो वो बैग जो थे ना, एक जो था वो नॉर्मल ऑफिस वेयर बैग था एंड उसके ऊपर लीना फिरोज नॉर्मल लीना फिरोज लिखा था। अब दिस कम्स इन लग्जरी सेगमेंट्स, तो इसके ऊपर ना जो लीना फिरोज का टैग है ना वो भी काफ़ी अलग तरीके से लगाया हुआ है एंड टैग देख के ऐसा लग रहा है ना कुछ अच्छे खासे ब्रांड से खरीदा हुआ है एंड दिस ऑल्सो लुक्स लाइक दैट ओनली कि काफ़ी अच्छे खासे ब्रांड से खरीदा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे यू नो थोड़े अतरंगी टाइप के लिखे हुए जो होते हैं वो। सो बात करते हैं इसके अंदर, आपको इस तरह का मैग्नेट मिल जाएगा बंद करने के लिए, बंद और खोलने के लिए। अंदर का अभी तक मैंने निकाला नहीं एक्चुअली निकाल के मैं वापस से रख देती हूँ सो दैट इसका जो बॉक्स है ना उसका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। सो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाएगा एंड इसके अंदर सिलिका भी दी हुई है, इसे निकाल देते हैं। सो यहाँ पे आपको बड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाएगा एंड साथ में एक छोटू सा पॉकेट भी मिल जाएगा चेन वाला, जिसमें आप नो
एज यूजल अपना कोई इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हो, बाकी तो आपको एक कंपार्टमेंट मिलेगा. एक बीच में यू नो स्लाइटली एक ऐड कर सकते थे दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, बट स्टिल इट्स नाइस. मतलब ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. बात करें इसके प्राइस की तो इट इज़ अराउंड 1500 रुपीज़. अगेन मतलब दोनों का प्राइस रेंज जो है वो सेम ही है एंड इसका ओरिजिनल प्राइस इज़ आई थिंक 4000 का है, 3995 का है, आई मीन 3995 का है. एंड सेल में ऑफकोर्स आपको सस्ते में मिल जाएगा एंड अमेजोन पर तो सबसे सस्ते में ही मिलेगा. पता नहीं आज क्यों मैं बहुत यू नो गड़बड़ हो रहा है मुझे बोलने के लिए, पता नहीं क्यों. एनी वेज, सो आपको यहाँ पे इस तरह का चेन मिल जाएगा. चेन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड हैवी है, मतलब पतला और हल्का टाइप का नहीं है, हैवी है. देख के ही एक अच्छा सा लुक ये दे रहा है. आप चाहो तो इस तरह का यू नो फुल बैग बना के पहन सकते हो, या तो फिर आप इसे इस तरह से छोड़ के स्लिंग बैग भी बना के पहन सकते हो. ये जैसे चाहो वैसे आप इसे यू नो अपने हिसाब से स्टाइल करके पहन सकते हो. सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, पिंक वाले में भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्स की. सो अब ना यहाँ पे सारे पर्स जो है वो डिसेंट वाले यू नो सेगमेंट में आते हैं, बट दे लुक लग्जरी एंड उनका क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा है. सो बात करते हैं थर्ड पर्स की, जो कि ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फुल ब्लू ग्रीन मिक्स का जो कलर होता है ना, वैसा टाइप का है, लाइट कलर का है. मतलब इट्स काइंड ऑफ अ इंग्लिश कलर एंड ये एक्सोटिक ब्रांड से है. इसका प्राइस जो है वो 2599 है ओरिजिनल प्राइस, बट ये मैंने कुछ अराउंड आई थिंक 600 or 700 रुपीज़ में परचेज किया है. सो दिस इज़ बेसिकली स्लिंग बैग. इसका स्लिंग जो पट्टा है स्लिंग का वो अंदर दिया हुआ है. सो इसमें बेस्ट मुझे क्या लगा पता है, इसका एक तो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. मतलब आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर सामने से ऐसे दिख रहा है, बट साइड में से ना ऐसे लॉन्ग ट्रायंगल टाइप का है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये पूरा चेन जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक ओपन होता है एंड ना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ गिरेगा नहीं बिकॉज साइड से यहाँ पे उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है. सो नथिंग विल फॉल. ये जस्ट एक पैटर्न के लिए दिया हुआ है. अंदर यहाँ पे ना इसमें आपको दो कंपार्टमेंट मिल जाते हैं साइड में, आई मीन तीन कंपार्टमेंट है, दो नहीं है, तीन कंपार्टमेंट है. और बीच वाले में भी आपको चेन वाला कंपार्टमेंट मिल जाता है. सो इसमें कंपार्टमेंट ही कंपार्टमेंट, आप जितना चाहो उतना सामान रख सकते हो अलग अलग साथ में. इसमें बहुत सारा ये भी भरा हुआ है, आई मीन पेपर भी भरा हुआ है. इसका पेपर मैंने नहीं निकाला था जब मुझे रिसीव हुआ था, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा पेपर है. सो यहाँ पे ये इतने सारे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं. एक तो बीच वाला जिसमें ऑलरेडी एक चेन दिया हुआ है जिसमें आप जो चाहे वो रख सकते हो. साइड में दो कंपार्टमेंट है, इस साइड में भी एक कंपार्टमेंट है और पीछे साइड में भी एक चेन दिया हुआ है. सो ओवरऑल मतलब सामान को अच्छे से रखने के हिसाब से ना मुझे काफ़ी सही लगा. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है. ये लेदर का है, आप इसे बारिश में या कौन से भी वेदर में आराम से यूज़ कर सकते हो. रफ एंड टफ, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला मटेरियल नहीं है. सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. स्लिंग बैग के लिए आपको यहाँ पे दो हुक्स मिल जाएंगे, एक आगे और एक पीछे. सो यू नो प्रॉपरली एक सेगमेंट में ये रहेगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की. सो यहाँ पे मैंने गोल्डन कॉपर गोल्ड जो होता है ना वो वाला शेड में एक पर्स ऑर्डर किया. मतलब एक पार्टी वेयर टाइप का जो लुक होता है ना, जिसमें आप थोड़े से यू नो चमक धमक वाला वेयर करते हो या फिर कुछ डिसेंट सा वेयर कर रहे हो जिसके साथ आपको थोड़ा सा पूरा आउटफिट हाईलाइट करने के लिए थोड़ा चमक धमक चाहिए रहता है, तो उस टाइप की चीज़ के लिए ना ये टाइप का पर्स काफ़ी अच्छा होता है. प्लस ये काफ़ी रिच वाइब्स भी दे रहा है, ऐसा लग रहा है किसी हाई फाई ब्रांड से है बिकॉज उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इसके अंदर स्लिंग बैग भी आपको दिया हुआ है, अंदर से आपको इस तरह का चेन मिल जाएगा. इसमें अंदर एक सिंगल कंपार्टमेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पे साइड में एक चेन मिल जाएगा, दैट्स इट. ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इफ़ यू वांट आप इसे कुछ यू नो सामान वगैरह लेके जाने के लिए कैरी कर सकते हो या फिर अपना एक यू नो कूल सा वैनिटी भी बना सकते हो. ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है, मतलब वैनिटी इन द सेंस मेकअप के प्रोडक्ट्स रख सकते हो इस टाइप के पाउच टाइप में, बहुत अच्छा लगता है. एंड इसमें स्लिंग बैग भी आपको दिया गया है, तो आप जैसे चॉइस है वैसे यूज़ कर सकते हो. एंड ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो मैंने इसे कुछ 500 या 600 के करीब में परचेस किया था, तो ओवरऑल इट्स रियली नाइस. बात करते हैं नेक्स्ट पर्स की. सो हियर आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल पर्स, जिसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे बाय द वे. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड योलो बैग समथिंग एंड इसका टैग एक्चुअली ना निकला हुआ है. सो मैंने उसका टैग अलग से रख दिया है एंड ये ना बहुत ही सुंदर लगा मुझे. ये देख के लग रहा है क्या कि 600 के अराउंड का पर्स है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. प्लस इसका प्रिंट देखो यार, ये कितना सुंदर प्रिंट है. इसमें शाइन भी ऐड किया हुआ है, मतलब
मतलब दिस लुक्स लाइक ये किसी ज़ारा या H&M के ब्रांड से परचेस किया हुआ है, बिकॉज इस टाइप के बैग्स वहाँ पे मैंने काफ़ी देखे हुए हैं एंड दिस इज जस्ट फॉर 600 मतलब अराउंड 600 रुपीज़। तो इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल डेली वेयर डेली यूज़ के लिए या फिर पार्टी वेयर या फिर जैसे चाहो आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह का चेन आजकल ना बहुत सारे बैग्स में प्रोवाइडेड मिलता है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी अच्छा दिखता होगा इसलिए, बट ये दो दो जब होता है ना तो मुझे नहीं जमता है, या तो यही प्रोवाइड कर दो या तो यही प्रोवाइड कर दो, मुझे ऐसा फील होता है। सो इट्स यू नो माई ओपिनियन, बट एनीवेज ये काफ़ी अच्छा है एंड अंदर से ना आपको एक ही कंपार्टमेंट मिलता है इसमें एंड इसमें भी अगेन बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, निकाल देते हैं इसे। तो इसमें आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट मिलता है। इस टाइप के बैग्स में ना यूजुअली आपको एक ही कंपार्टमेंट मिलता है, बहुत कम ऐसे बैग्स देखने मिलते हैं जिसमें दो कंपार्टमेंट मिल जाता है। साइड में आपको मिल जाएगा एक चैन जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस एंड प्राइस वाइज तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि मतलब आप ब्रांड से लेने जाओगे ना तो आपको 600 रुपये में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट पर्स की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब डिसेंट है। जिन लोगों को यू नो थोड़ा सा यू नो ऐसा हैवी या फिर कलरफुल नहीं पसंद आता, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सुंदर सा पर्स जो कि आपने बहुत लोगों के पास देखा होगा या फिर इस तरह के पैटर्न आजकल काफ़ी चल रहे हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ इन द मटेरियल लेदर एंड इसमें अंदर आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा। अगेन इसका भी मैंने नहीं निकाला हुआ है सो इसका भी निकाल देते हैं अंदर का सामान। सो अंदर आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें अंदर आपको अगेन एक छोटा सा पॉकेट मिल जाता है चेन वाला। सो इसके वजह से देखने के लिए नहीं जम रहा है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक ये वाला बैग एंड दिस लेनो पेरिस का बैग इज गिविंग द सेम वाइब्स, बट टेक्सचर के वजह से दोनों भी अलग है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली सारे बैग्स ही अपने अपने जगह पे काफ़ी अच्छे हैं। इसे मैंने अराउंड कुछ ना 500 के करीब का परचेस किया है। मे बी आपने स्टोर्स वगैरह में देखा होगा ये आपको 900 या 1000 के करीब का ही मिलेगा अगर आप स्टोर से परचेस करते हो तो। आई डोंट नो अबाउट द लोकल एरियाज बट येस ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड दिस काइंड ऑफ बैग लुक्स वेरी प्रिटी विथ यू नो इफ यू आर गोइंग इन ऑन वेकेशन और you know some meetup kind of ka thing, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो या दिस वॉज द लास्ट बैग विच आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon। आपको कौन सा बैग सबसे ज़्यादा पसंद आया? फिलहाल यहाँ पे पूरा मैस हो चुका है, इतना सारा इसमें प्लास्टिक एंड पेपर्स है ना कि सारा यू नो मैस हो चुका है, मुझे वीडियो के बाद सब सबमिटना पड़ेगा। एनी वेज आपको कौन सा बैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड येस आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अभी भी नए हो मेरे चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और भी ऐसे अमेजिंग हॉल्स के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।